हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को ब्लाउज की नाप लेकर काटना बताएंगे। अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। देखिए, हमने ब्लाउज दिया है, इसको हमने पहले इस तरीके से नाप लेंगे। ये हमारा 11.5 इंच आ रहा है। ये कपड़ा ऐसे नाप लेंगे तो इससे पता चलता है कितने इंच पे हमारा कपड़ा कटा हुआ है। इस ये कपड़ा हमारा 11.5 इंच पे कटा हुआ है। हम इसकी लंबाई लेंगे, इस तरीके से नाप लेंगे। देखिए, हमारा ब्लाउज 13 इंच है। फिर हम गले की नाप लेंगे। गला हम इस तरीके से नापेंगे। देखिए, हम गले को इस तरीके से नहीं नापेंगे, इस तरीके से नापेंगे तो हमारा गला बहुत भारी हो जाएगा, इसलिए हम इसकी ऐसे हम गोलाई लेंगे। देखिए, हमारा 5.5 इंच पे गला कटा हुआ है और पीछे का गला हम इसी तरीके से लेंगे। ये देखिए, हमारा गला 7.5 इंच पे है। इस तरीके से नाप लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती। फिर हम आस्तीन की नाप लेंगे। इस तरीके से हमारी 4 इंच आस्तीन है। तो अब हम सबसे पहले कपड़े को फोल्ड किया है। देखिए, उसी के हिसाब से हम लंबाई लेंगे। जैसे हमारा ब्लाउज 13 इंच का है तो हमें अगर मोड़ना है, तुरपाई वाला बनाना है तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, और पलटने वाला बनाना है, सिर्फ सिलाई करके पलट देना है हमें, तो हम 1 इंच बढ़ाएंगे। तो हमारा 13 इंच है तो हम 14 इंच इसकी लंबाई लेंगे। और गला 7.5 इंच, इसी तरीके से जिस तरह से उसमें नाप लिया है हमने, उसी तरीके से हम इसमें निशान लगाएंगे। इस नाप का ब्लाउज हमने पहले से काट के रखा है। तो हम देखिए, मैंने अस्तर काट लिया है, तब अस्तर को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसे रख के इस तरीके से इसको बराबर कर लेना है। फिर हम इसको कट कर देंगे। हमने उसी नाप का अस्तर काट लिया है, नाप के अब हम कटिंग कर देंगे इस तरीके से। अस्तर काटने में हमें पहले अस्तर काट लेते हैं तो हमें कपड़े काटने में आसानी होती है। देखिए, हम पीछे का पल्ला काट लिया है, अब आगे के साइड का इसी तरीके से रख के हमें काटना है। अब हमें ये ब्लाउज का कपड़ा है, और ये मेरा अस्तर। अब हम पीछे का आगे का साइड इस तरीके से रखेंगे, उसी तरीके से देखिए प्लेट का निशान लगे हुए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए, हमने इस तरीके से इसको भी काट लिया है।
इसको हमने डबल फोल्ड में किया है ताकि हमारे दोनों पल्ले एक साथ निकल आए। ये देखिए हम यहाँ बीच से कट कर देंगे। इसमें हमारा आगे का साइड और पीछे का साइड दोनों निकल आए। हमारा निशान 3 इंच पे लगेगा, ये भी 3 इंच पे लगेगा और ये उसी तरीके से हिसाब से ले लेना है, 5 इंच आए या 4 इंच आए, उसी हिसाब से हमें गोलाई में ऐसे गोलाई देने के हिसाब से हमें प्लेट के निशान मारना है। नीचे वाली प्लेट का निशान थोड़ा ज़्यादा होता है इतना, और सारे निशान पतले होते हैं। हमारा ब्लाउज कट गया, अब हम आस्तीन काटेंगे। देखिए हमने आस्तीन का कपड़ा ले लिया है, तो हमें आस्तीन का कपड़ा कम पड़ रहा है, तो हम आस्तीन को किस तरीके से काटेंगे। हम एक आस्तीन इधर से निकाल लेंगे, और एक आस्तीन इधर से निकाल लेंगे। देखिए हमने दोनों आस्तीनें इस तरीके से निकाल लिया है, इससे हमारा कपड़ा कम नहीं पड़ता है, एडजस्ट हो जाता है। कपड़ा कम पड़ने की कोई संभावना नहीं होती है। हमारी आस्तीनें निकल आई हैं, अब हमें इसमें काज पट्टी और बटन पट्टी निकालने हैं। तो काज पट्टी हम अस्तर की लगा देंगे और बटन पट्टी कपड़े की। बटन पट्टी हमारी थोड़ी चौड़ी रहती है क्योंकि इसे डबल फोल्ड कर किया जाता है। अब हम इसमें पैचिंग पट्टी निकालेंगे, इसी में हमें डोरी का कपड़ा निकालना है और पाइपिंग पट्टी निकालना है। तो हम पहले डोरी का कपड़ा निकाल लेंगे। एक इंच या 1.5 इंच पतला कपड़ा काट लेंगे डोरी के लिए। देखिए हमने डोरी का कपड़ा निकाल लिया है, अब हम इसमें पाइपिंग पट्टी निकालेंगे। पाइपिंग पट्टी हमेशा आप लोग तिरछा ही काटना, हमें तो अंदाज़ा है इसलिए काट लेते हैं, आप लोग को काटना है तो इस तरीके से निशान लगा लेना 1.5-1.5 इंच पे, 1.5-1.5 इंच पे निशान लगा के पट्टी काट सकते हैं इसी तरीके से। देखिए हमने 1.5-1.5 इंच की पट्टियाँ निकाल लिया। तिरछा पाइपिंग हमेशा काटी जाती है, सीधा पाइपिंग की पट्टी काटोगे तो पाइपिंग करनी भी अच्छी नहीं आएगी। हमारा ब्लाउज कट के रेडी हो गया है। अगर आप लोगों को हमारा काटने का तरीका पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।